नमस्कार मित्रों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वैभव पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंड्स द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इंग्लिश सो फ्रेंड लुक एट द एनालिसिस एंड द सिलेबस एग्जाम पैटर्न विच आई हैव कम विथ इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न सी योर पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स पार्ट फर्स्ट विल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज बेसिस एंड द पार्ट सेकेंड विल बी सब्जेक्ट रिलेटेड सो सी पार्ट फर्स्ट में आपके जनरल पेपर में कुल सौ क्वेश्चन होंगे देर विल भी हंड्रेड क्वेश्चन इन पार्ट फर्स्ट और ये हंड्रेड क्वेश्चनस जो होंगे आपके पाँच हिस्सों में बटे होंगे देर विल बी मेंटल एनालिसिस और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आफ्ट ट्वेंटी क्वेश्चन एंड सेकेंड होगा जनरल अवेयरनेस ये भी आपका बीस नंबर होगा बीस क्वेश्चन थर्ड सेक्शन जो होगा आपका पेपर आरिथमेटिक एबिलिटी होगा ये भी बीस क्वेश्चन होंगे एंड uh, पांचवा जो होगा आपका चौथा सॉरी पार्ट फोर्थ जो होगा आपका जनरल इंग्लिश होगा जनरल इंग्लिश से भी बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपका एक पैसेज भी होगा <coughs> देन पार्ट फिफ्थ जो होगा वो आपका जनरल हिंदी पे होगा जनरल हिंदी से बीस क्वेश्चन लिए जाएंगे इसमें भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा बाकी जनरल सामान्य व्याकरण होगा uh, सामान्य इंग्लिश में भी आपका जो होगा बेसिकली सामान्य इंग्लिश होगा मींस एक पैसेज के साथ साथ सेनानी मैंटानिम्स होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा यूसेज ऑफ टेंस होगा फिल इन द ब्लैंक होगा एंड देन स्पॉटिंग एरर्स होगा तो मेंटल एबिलिटी से बीस क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बीस क्वेश्चन चालीस फ्रेंड्स और फिर आपके अर्थमेटिक्स के बीस साठ हो गए जनरल इंग्लिश इज एट्टी क्वेश्चन एंड देन जनरल हिंदी दैट इज़ हंड्रेड सो देर आर हंड्रेड क्वेश्चन इन पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड यानी सब्जेक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो देखें पार्ट सब्जेक्ट जो होगा पार्ट सेकेंड यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के जो होगा उसमें एक सौ अस्सी क्वेश्चन जो होंगे देर विल बी टोटल टू हंड्रेड फ्राम योर सब्जेक्ट एक सौ अस्सी क्वेश्चन वन हंड्रेड एटी कोशन विल भी प्योरली फ्राम योर सब्जेक्ट बाकी जो बीस क्वेश्चन होंगे दैट दो विल भी फ्राम आई सी टी एंड ई एल टी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्लस पैडागोजी से बीस क्वेश्चन लिए जाएंगे ठीक है सो देर विल भी टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन इन पार्ट सेकेंड ऑफ़ योर सब्जेक्ट तो मोस्टली आपको पार्ट सेकंड पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर दैट कि पार्ट फर्स्ट में भी आपको फोर्टी परसेंट क्वेश्चन नेसेसरी होगा ठीक है क्वालीफाइंग होगा so 100, सो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट फोर्टी परसेंट क्वेश्चन आउट ऑफ हंड्रेड यानी कि सौ में से उधर आपको पेपर फर्स्ट में भी पार्ट फर्स्ट में भी चालीस क्वेश्चन करने होंगे और इधर क्या है कि दो सौ में से अस एट्टी क्वेश्चन करने होंगे तो कम से कम आपको एक सौ बीस क्वेश्चन तो करना ही करना होगा ठीक है अगर आप उससे कम करते हैं तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड यू विल यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ठीक है फ्रेंड्स पिछले ईयर की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ फ्रेंड यहाँ पर तो पिछले ईयर का जो कट ऑफ था जो जनरल का था वो था एक सौ पचास आउट ऑफ थ्री हंड्रेड तीन सौ क्वेश्चन में से जनरल का मेरिट जो थी 150 थी और ओबीसी की बात करें तो फ्रेंड यह 120 थी देर वाज इट वाज 120 क्वेश्चन तो ओबीसी कैटेगरी में जो 120 को प्लस क्वेश्चन या 120 कर लिए थे उनका सिलेक्शन हो गया था ठीक है क्या पढ़ना है उस पर बात करते हैं फ्रेंड्स तो देखें आ, किन किन एरियाज़ पे आपको बेसिकली लिटरेचर पोर्सन से क्वेश्चन जो होंगे आपके एट्टी परसेंट या साठ से सत्तर अस्सी परसेंट क्वेश्चन विल बी फ्राम लिटरेचर देन देर विल बी दस से पंद्रह परसेंट क्वेश्चन फ्राम टेन टू फिफ्टीन परसेंट फ्राम लैंग्वेज इट मे बी ट्वेंटी परसेंट एंड समेन परसेंट क्वेश्चन विल बी फ्राम योर वोकेबुलरीज वर्ड पावर सो so, लिटरेचर की बात करें तो देखें पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि मेजर ब्रिटिश राइटर्स इन द रेफरेंस ऑफ रेनेसा रोमेंटिसिज्म विक्टोरियनिज़्म मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म तो मुख्य मुख्य जो ब्रिटिश राइटर्स हैं ख़ासतौर से रेनेसा पीरियड में आप बात करें तो यूनिवर्सिटी बिट्स हो गए शेक्सपियर यू हैव टू स्टडी इन डिटेल देन आप रोमैंटिसिजम में आएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कॉलरिज पी बी शैली जॉन किट लॉर्ड बाइरन रोमांटिस में चार्ल्स लैम्प ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी देन यू विल कम टू विक्टोरियन एज, विक्टोरियन में आपको टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग ठीक है और मेजर पोइट्स आपको ध्यान में रखने मेजर राइटर देन यू के नॉट लिव चार्ल्स डिकन्स वन ऑफ द मेजर नावलिस्ट ऑफ विक्टोरियन ऐज तो चार्ल्स डिकेंस तो पढ़ना ही है देन विलियम थेकरे एंड अदर ठीक है इवन थॉमस हार्डी विल बी जस्ट इन दिस कैटेगरी देन आपका मॉडर्निज़म में आएंगे तो टी एस एलियट हो गया जॉर्जियन पोइट्रीज हो गया देर आर सो मैनी इज़म लाइक डाइडिज़म सरियलिज़म एक्सप्रेसनिज़म इम्प्रेसनिज़म ठीक है तो ये सारे वर्टिसज हो गया इस देर आर लॉट्स ऑफ इज़म्स तो ये सारे इज़म्स जो हैं लिटरेचर में वह आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अलावा अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने न्यो क्लासिकल एज को नहीं किया यू टॉक uh, किया तो यू विल बी जस्ट सरप्राइज कि न्यो क्लासिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं एक दो क्वेश्चन या दो चार क्वेश्चन आए बट एक बड़ा पीरियड है ठीक है सम वेयर फ्राम नाइनटीन सिक्सटी टू अप टू द रोमांटिक एज आप कह लीजिए कि सोलह सौ साठ से लेकर सत्रह सौ अंठानवे के आसपास तक चलता है एटलीस्ट सत्रह सौ चालीस तो आप कह ही सकते हैं ठीक है थीक? तो तकरीबन मोर देन हंड्रेड ईयर्स का पीरियड है तो इसमें से ओबियसली क्वेश्चन आने हैं जॉन ड्राइडन हो गया अलेक्जेंडर पोप हो गए ओलिवर गोल्ड स्मिथ हो गए इन लोगों की मेजर रचनाएं आपको देखनी है उन रचनाओं की सेटिंग्स कहाँ है उनके कैरेक्टर्स के नेम आपको याद रखने चाहिए ठीक है उनका पब्लिकेशंस क्या हो गया जैसे गुलीवर ट्रेवल्स के बारे में पूछ लिया कि गुलीवर ट्रेवल्स ने मतलब कौन कौन सी ट्रिप्स की थी तो मतलब उसने चार ट्रिप की थी फर्स्ट कौन सी उसकी यात्रा थी लास्ट कौन सी थी तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स पूछी जाएंगी देन आपका जोसेफ एडिसन हो गया रिचर्ड स्टील्स हो गया ऑफकोर्स दे कैन बी आस्क ठीक है एंड देन सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लिटरेरी टर्म्स ठीक है लिटरेरी टर्म्स के लिए आप एम एच एब्राम्स की एम एच एब्राम्स की या ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पर फोकस कीजिए देन सेकेंड आपको अगला पॉइंट उसी में है फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार को आपको ध्यान में रखना है अलंकार के लिए आप एम एच अब्रम से ही फोकस कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर बुक अगर आप चाहें तो लेट मी रिकमेंड यू मनिंदर नाथ सिन्हा मनिंदर नाथ सिन्हा की है रिटारिक्स एंड प्रोसोडी ये प्रकाश बुक डिपू बारी से पब्लिश होती है रिटारिक्स एंड प्रोसोडी बाई मनेंद्र नाथ सिन्हा दैन स्टैंजा फार्म एंड मेट्रिकल डिवाइसेस तो आपको इस्टेंजाज ध्यान में रखने हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीज़ें आपको एम एच अब्रम से मिल जाएंगी ठीक है इवन यू कैन जस्ट लास्ट में मैं कुछ और किताबों के नाम आपको गिना दूंगा जिससे आपको तैयारी में आसानी मिल हो नेक्स्ट uh, पॉइंट आपको ध्यान में रखना ओके फ्रेंड्स यहाँ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रिटिश राइटर के अलावा जो चीज़ें आपको नॉन ब्रिटिश राइटर भी देखने हैं नॉन ब्रिटिश राइटर में आप जाएंगे पर्टिकुलरली यू हैव टू प्रिपेयर इन द रेफरेंस ऑफ अमेरिकन एंड इंडियन राइटर्स मेजर अमेरिकन राइटर्स हो गए वाल्ट वाल्टिटमन रॉबर्ट फ्रास्ट आरनेस्ट ही इमली डिकेन्सन इन लोगों को मेन मेन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन इंडियन राइटर्स में आएँगे ऑफकोर्स ठीक है रामानुजन हो गए के रामानुजन ने सी मेजिल एंड ऑल द मेजर पोइट्स ड्रामेटिस्ट एंड नावेलिस्ट यू हैव टू फोकस दैन नेक्स्ट है मेजर नेम ऑफ मेजर क्रिटिक्स थियरिस्ट एंड देयर वर्कस तो क्रिटिसिजम में आप बात करेंगे तो बेसिकली आपको कम से कम ये तो याद ही रखना चाहिए कि द पोतिक्स या पोइटिक पुस्तक किसने लिखा है तो अरस्तू ने लिखा अब उसमें उन्होंने कौन कौन से ट्रेजिडीज के पार्ट सिक्स पार्ट्स गिनाए हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देन जॉन ड्राइडन के बारे में उनका पता होना चाहिए थोड़ा सा मैथ्यू आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक आपको पता होना चाहिए टी एस एलियट के बारे में आपको एज अ क्रिटिक क्योंकि उनके ढेर सारे एसेज हैं मेटाफिजिकल हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हो गया ठीक है ये सारे जो एसेज हैं उनके पूछे जाते हैं द सेक्रेट बुड्स में जो पब्लिश हुए थे तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ सर्टेन क्रिटिक्स एंड देर बुक्स प्लस टू थियरिस्ट की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे 1910 के बाद थियरी का प्रचलन आ गया हालांकि ये चीज़ें इसके पहले भी थीं तो बेसिकली इन थियोरी में थियरिस्ट में आई ढेर सारे नाम आपको मिल जाएंगे ढेर सारी थीरीज़ मिल जाएंगी जैसे फेमिनिज्म हो गया ठीक है न्यू क्रिटिसिज्म हो गया रशियन फॉर्मलिज्म हो गया देन फॉर्मलिज्म हो, पोस्मार्डनि, हो गया पोस्ट मॉडर्निज पोस्ट मॉडर्निज़म हो गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म हो गया देन क्वीर थीरीज़ हो गई तो ये रफली यू हैव टू जस्ट नो कि कौन से थियरिस्ट किस थियरी या किस स्कूल ऑफ थियरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने पूछ लिया कि विलियम इम्पसन किस थियरी स्कूल ऑफ़ थियरी से बिलोंग करते हैं तो ऑबियसली न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। देन ही उन्होंने पूछ लिया कि दी डेथ ऑफ़ आथर डेथ ऑफ आथर किसने लिखा है यू मस्ट नो अबाउट रैमंड विलियम ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देन रिचर्ड आई रिचर्ड्स में उन्होंने पूछ लिया ठीक है द ऑफ फोर मीनिंग्स किसने दिया है तो आई रिचर्ड की है उनकी किताबों के नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म द प्रिंसिपल ऑफ लिटरे क्रिटिसिज्म तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए ठीक है एंड नेक्स्ट की थीम एंड नेम ऑफ मेजर कैरेक्टर्स ऑफ मेन वर्कस जो मेन मेन रचनाएं इंग्लिश मतलब इंग्लिश लिटरेचर में हैं वेदर इट इज़ इन ड्रामा नावेल्स आर एसिज उनके थीम उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए ऑथर्स के नाम पता होना चाहिए और जब मेजर पोएम्स आप पढ़ें तो उनमें पोइटिक डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फिगर ऑफ़ स्पीच यूज़ हो रहा है किस स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई हैं ठीक है पोएम की फ़र्स्ट एंड लास्ट लाइन को आप फोकस कर सकते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम्स एंड द पोट्स किस ग्रुप से किस स्कूल से बिलोंग करते हैं किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं तो दैट्स ऑल यू हैव टू नो अबाउट नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में फ्रेंड आप देखेंगे कि बेसिकली दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन द यूज ऑफ़ टेंसेज टेंस के प्रयोग कैसे होते हैं किन किन मोस्ट मोस्टली दे विल बी फोकसिंग ऑन प्रजेंट इन डेफिनिट को कैसे पास्ट के लिए यूज़ करते हैं या फ्यूचर टेंस के लिए कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है देन दे विल आस्क व्हाट इज फ्रेज या टाइप्स ऑफ फ्रेज की एडजेक्टिव फ्रेज है वेदर इट इज़ नाउन फ्रेज या वर्बल फ्रेज है ये आपको पता होना चाहिए देन है टाइप्स ऑफ नाउ मीन्स प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेटिंग क्लास सब ऑर्डिनेटिंग तो सब ऑर्डिनेटिंग में आप जाएंगे तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एंड देन एडवर्ब क्लाज ये क्लासेज पता होने चाहिए देन सेंटेंसेज मीन सिम्पल सेंटेंस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज ये आपको पता होने चाहिए आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच को उन्होंने अंडरलाइन करके पूछ लिया कि ये अंडरलाइंड वर्डिक किस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है बेसिकली जैसे बीफोर का प्रयोग आप एक वर्ब नाउन के रूप में करते हैं ठीक है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के तौर पे भी करते हैं तो अंडरलाइन करके उन्होंने पूछ दिया कि दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ वेदर नाउन वेदर प्रोपोजिशन आर कंजंक्शन आर वॉट तो इस तरीके के आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनेंगे देन फिल इन द ब्लैंक एंड कॉमन एयर से जो कामन सामान्य से प्रश्न हर कॉम्पिटिशन में लैंग्वेज से पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे देन नरेशंस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन देन एक्टिव एंड पैसिइसिज पूछे जाएंगे स्टैंडर्डाइज्ड यूज ऑफ कंजंक्शन एंड प्रोपोजिशंस प्रपोजिशन और कंजंक्शन के जो स्टैंडर्डाइज्ड मींस रिकोगनाइज यूजेस हैं उसको पूछे जाएंगे ठीक है टाइप्स ऑफ वर्ब पूछेंगे कि वेदर इट इज़ फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट में उन्होंने पूछ दिया कि हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है ठीक है देन नाउन से क्वेश्चन ले लेंगे कि नाउन पर्टिकुलर जेंडर पूछ दिया उन्होंने ठीक है जैसे रैम दे दिया तो रैम का उन्होंने फेमिन जेंडर पूछ दिया ठीक है ई भोता ई डब्ल्यू ई देन नंबर्स पूछ दिया उन्होंने नंबर ऑफ़ दा नाउन डिग्रीज ऑफ एबजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू मस्ट नो पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज एंड हाउ दे आर चेंज फ्राम वन डिग्री टू एन अदर देन ओकाब्यूलरी की बात करें वर्ड पावर की तो हर और दूसरी तरह की कंपटीशन की तरह इसमें भी नेचुरल या कॉमन टाइप के मतलब वर्ड्स पूछे जाते हैं बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं तो सिनेानी मैंटानियम्स होंगे कॉमन एक्सप्रेशंस होंगे समटाइम मीडियम और फ्रेजेस होंगे तो इंटरमीडिएट लेवल के या फिर कह लीजिए कि आपके डे एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा सा टफ़ या उसी के बराबर होंगे नाउ फ्रेंड्स मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको कुछ किताबों के नाम बता दूँगा ठीक है तो जो किताबें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स दैट इज़ एम एच अब्रम्स इसको मैंने शुरू में बताया था कि एम एच अब्रम्स की अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स फिर आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए पढ़ना है रेना एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर दूसरी ग्रामर को भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरी ग्रामर बुक की अपेक्षा में रेना एंड मार्टिन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में ठीक है रेन एंड मार्टिन से सीधे उन्होंने क्वेश्चन फोकस किया था नॉर्मल लीविस की आप वर्ड पावर में डी ले सकते हैं दूसरी वर्ड पावर भी आप ख़रीद सकते हैं प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है सम डिजायरेबल बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर कोई भी आप किताब अपनी पसंद से जो आपको अच्छी लगे आप उसको पढ़ डालिए इट मे बी डब्ल्यू जेलोंग विलियम जेलोंग हो सकते हैं एडवर्ड एल हो सकते हैं रुटलेश हो सकते हैं या फिर कोई बेटी के ईवेन एस सी मुन्द्रा रगुल तिलक वट एवर यू आर गोइंग टू जस्ट बाई बाई दैट बुक एंड उसको थारोली दो तीन बार पढ़ जाइए कम से कम उससे शॉर्ट नोट भी तैयार करिए तो और क्विक रेफरेंस के रूप में फ्रेंड बात करें कि मतलब किन किताबों को आप कंसल्ट कर सकते हैं तो दीज आर सम राइटर्स क्विक रेफरेंस बुक के रूप में सबसे पहले मैं डॉक्टर रंजीत सिंह एसोसिएट प्रोफेसर साहब इनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीम सर एंड फिर तीसरे पे हैं आपके डॉक्टर सुधीर कुमार अरोरा एंड रिटोरिक एंड प्रसोडी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मनिंदर नाथ सिन्हा को तो देखें किताबों के नाम है फ्रेंड्स दिस इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटेन बाय डॉक्टर रणजीत सिंह देन अ कंप्लीट बुक फॉर टी पीजीटी इंग्लिश इट इज़ आल्सो रिटेन बाय डॉक्टर रनजीत सिंह सर एंड उसके बाद है आपकी डॉक्टर मोहम्मद शमीम सर की किताब एन एमरेल्ड एन एमरेल्ड गाइड टू इंग्लिस लिटरेचर ये पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड और फिर उसके बाद इसका पार्ट सेकेंड है एन एमरेल्ड गाइड टू द इंग्लिश लिटरेचर का ठीक है तो ये दोनों पार्टस आपको आपके पास होने ही चाहिए देन आपके यहाँ एस के अरोरा सुधीर कुमार अरोरा साहब की किताब है अंड बुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंड बुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामेशन पार्टिकुलरली टी जी टी पी जी टी इसका पाँचवा फिफ्थ एडिशन आपको लेना है एंड देन लास्ट बुक जो रेफरेंस के रूप में मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ इट्स वेरी वेरी प्रेशियस वन नेक्टर नेक्टर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली टी जी टी एंड पी जी टी इट इज़ आल्सो रिटन बाई द सेम ऑथर एस के अरोरा सर जैसा कि इसका नाम ही है नेक्टर तो so, इसमें जो भी ज्ञान है आपको मिलेगा बिल्कुल जस्ट लाइक नेक्टर ही होगा सो यू ऑल द वेरी गुड लक फ्रेंड इन योर एग्जामिनेशन आई विल ब्रिंग द रिमेनिंग क्वेरीज एंड क्वेश्चन इफ़ यू आस्किंग मी थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग थैंक यू थैंक